हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ एक बहुत बड़ा ये सूचना, बहुत बड़ा वैकेंसी यहाँ सामने निकल के आई है कि ये झारखंड पुलिस की वैकेंसी है, वो बहुत जल्द आने इसी माह में आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी और तमाम दोस्त हैं जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, तो उसकी वह इंतज़ार की घड़ी अब समाप्त हो रही है और इसी माह में ये आपको बहाली देखने को मिलेगा। और ये बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी पदों पर ये वैकेंसी निकाली जा रही है। लगभग 13,000 प्लस ये पदों पर यहाँ वैकेंसी सामने निकल के आई है। तो बहुत लंबे समय से ये इंतज़ार था कि ये झारखंड पुलिस कब आएगी, तो ये झारखंड पुलिस की जो इंतज़ार का घड़ी इसी माह में समाप्त हो रही है और बहुत बड़ी संख्या में यह वैकेंसी आ रही है। इसमें और देखेंगे कौन से आपका एजेंसी ये एग्ज़ाम लगी, कौन से एजेंसी को इस एग्ज़ाम के लिए, इस बहाली के लिए लाया जा रहा है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो आप सभी तमाम जितने भी भाई बहन जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, वो अपने तन मन से लग जाए और एक इसमें अपना एक सीट को पक्का कर लें, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और यहाँ लिखा गया है कि झारखंड पुलिस में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसके लिए ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट ये प्रोसेस यानी TRP के लिए एजेंसी को लाया जा रहा है। एंड इस एग्ज़ाम के लिए, इस बहाली के लिए आपको TRP एजेंसी को लाया जा रहा है। इस एजेंसी को लाने के लिए यानी टेंडर जारी किया गया है। एजेंसी को टेंडर फॉर्म 8 दिसंबर तक भरना है। इस एजेंसी को इस टेंडर के लिए फॉर्म जो 8 तारीख तक भरना है, उसी दिन उसकी घोषणा कर दी जाएगी कि बहाली प्रक्रिया में फॉर्म से लेकर के एडमिट कार्ड जारी होने तक और डेटाबेस तैयार कौन करेगा, यानी इस प्रक्रिया फॉर्म भरने के बाद उसी यानी ये जो ये बहाली प्रक्रिया में फॉर्म लेकर के एडमिट कार्ड जारी करने तक जो उसका डाटा बेस तैयार कौन करेगा, इस एजेंसी के बाद ही ये पता चला जाएगा कि कौन इसका ये डेटाबेस तैयार करेगा। सूत्रों के अनुसार करीब जो है 13,000 जवानों की बहाली ये झारखंड में होने वाली है। एक बहुत बड़ी संख्या में यानी 13,000 ये पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है झारखंड की ओर से यहाँ निकल के आई है कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी यहाँ पर 13,000 पदों पर आ रही है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको दौड़ यानी फिजिकल लिया जाएगा, यानी दौड़ लिया जाएगा, यानी वो भी जो दौड़ है आपका लगभग यहाँ जो है आपका 10 किलोमीटर का होगा। और 10 किलोमीटर ये आसान नहीं होता है, इसके लिए अभी से ही आपको तैयारी धीरे धीरे करके चालू रखना पड़ेगा। और जब ये नोटिफिकेशन आने ये जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद अपने आपको एक तेज़ी से आनी ये दौड़ को आप तैयार कर रखेंगे। और अभी जो है फिलहाल आप धीरे धीरे ये रनिंग को अपने बरकरार रखें और साथ साथ जो अपना रिटेन एग्ज़ाम है, जिस तरह से उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है, सेम उसी सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन सिलेबस सेम वही रहेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि अपना दौड़ आप लोग बनाए रखें, क्योंकि सबसे पहले आपका फिजिकल ही लिया जाएगा। और जब तक आप दौड़ में पास नहीं करेंगे, आपका कोई भी प्रक्रिया आपका फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको दौड़ पास करना होगा यानी फिजिकल पास करना होगा, उसके बाद ही सारा प्रोसेस आपका खुलेगा, नहीं तो यहाँ से फिर आपका प्रोसेस सारा बंद हो जाएगा। तो जितने भी दोस्त हैं जो झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, वो अभी से ही दौड़ में लग जाएँ, धीरे धीरे अपने दौड़ को बरकरार रखें। और जब ये दौड़ आएगा, उसके बाद अपना फुल तैयारी के साथ अपने फिजिकल में जाएंगे और पास करके अपने आगे की प्रोसेस को यहाँ पर आप अटेंड कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी संख्या में यह बहाली आने वाली है झारखंड पुलिस का। एक खुशखबरी है कि झारखंड की ओर से कि ये इसी माह में ये आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो जितने भी भाई बहन हैं वो अपना तैयारी में लग जाएँ। और भी इसी तरह से अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।